वहीं कोरोना वायरस के बीच मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। टिकट को लेकर प्रत्याशियों ने जोर दिखाना शुरू कर दिया है। रायसेन में युवा मोर्चा ने मुदित शेजवार को सांची विधानसभा से टिकट देने की मांग की। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन रघुवंशी का कहना है कि पार्टी ने 2018 में भी युवा मोर्चा और बीजेपी पदाधिकारियों के कहने पर युवा को टिकट दिया था, इसलिए उपचुनाव में भी युवा प्रत्याशी मुदित शेजवार को ही टिकट दिया जाए। लेकिन अब उपचुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बीजेपी की तरफ से अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में टिकट को लेकर नेताओं के बीच जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। जो 2018 में हमने मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेताओं से मांग की थी कि रायसेन जिले में एक टिकट युवा को दिया जाए, और उस मांग पर हमारे नेतृत्व ने उसको स्वीकार किया और सांची से हमारे युवा साथी को टिकट दिया गया था, इस बार भी हम यही मांग करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सांची एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से युवा नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ चुका है, तो इसलिए वहां से फिर से युवा को ही टिकट दी जाए इस उपचुनाव में। मैं युवा मोर्चा की तरफ से तो विनिंग कैंडिडेट के रूप में जो चुनाव लड़ चुके हमारे युवा साथी मुदित शेजवार जी को ही चाहूँगा, लेकिन जो पार्टी निर्णय, चूँकि सिंधिया जी के समर्थन से सरकार में हम फिर से आए हैं, और जो निर्णय माननीय शिवराज जी और हमारा संगठन लेगा वो निर्णय हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। तो उपचुनाव की सरगर्मियां मध्य प्रदेश में तेज हैं। युवा मोर्चा नेता पवन रघुवंशी की मांग के क्या मायने हैं? क्या मुदित शेजवार अभी माने नहीं हैं? सवाल ये भी उठ रहा है। चार दिन पहले गौरी शंकर शेजवार और प्रभुराम चौधरी की मुलाकात हुई थी। बीजेपी ने इस मुलाकात के बाद नाराजगी दूर होने का दावा किया था, लेकिन ऐसा अब नजर नहीं आ रहा। इस पर हम चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुदित शेजवार जी। मुदित जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मसल उस पर। सर साहब जी, मुदित जी, गौरी शंकर शेजवार जी और प्रभुराम चौधरी की मुलाकात हुई थी चार दिन पहले है। सवाल ये उठा रहे हैं हम, और ये सवाल उठता भी है राजनीतिक गलियारों में, चर्चा ये है कि शेजवार जी की क्या अभी जो नाराजगी है वो दूर नहीं हुई है? क्या आप माने नहीं है? क्या कुछ मनमुटाव हिस्सा देखा जा रहा है? सियासी गलियारों में खबरें ऐसी है। मुदित जी, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, मेरा ये मानना है साहब, ये खबरें ही हैं जी, और कहीं कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं है या कोई नाराजगी की स्थिति नहीं है। देखिए, बहुत वरिष्ठ हैं डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, मध्य प्रदेश की राजनीति में तकरीबन 45 साल से ऊपर उनको हो चुके हैं, और हम सब तीसरी पीढ़ी है हमारी पार्टी में। हम पार्टी के निर्णयों को सर्वोपरि मानने वाले लोगों में से है, तो इसमें कहीं मनमुटाव या कोई नाराजगी की बात नहीं होती जी। मानने वाली बात कर रहे हैं मुदित जी, लेकिन जिस तरीके से मांग भी उठ रही है आपको टिकट देने की, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं साहब, मैं मेरी तरफ से कहीं कोई नहीं, आपके समर्थक उठा रहे हैं सर मांग। अच्छा, मुझे जानकारी में नहीं है जी, पर मेरे हिसाब से मेरी तरफ से कोई भी दावेदारी नहीं है। मैंने कभी भी कहीं आज तक कोई टिकट की बात नहीं करी। देखिए, बहुत बड़ा निर्णय है, और संगठन का जो निर्णय था उसी को वही मान्य है। संगठन जिसको भी टिकट देती है, और मेरे हिसाब से हमें कहीं ना कहीं ये लाइन हल्की फुल्की ये दी गई है कि जो 22 व्यक्ति कांग्रेस से बीजेपी में आए, जिनकी वजह से सरकार बनी है, जिनकी मदद से सरकार बनी है, उनको टिकट मिलेगी और मिलना भी चाहिए। तो हमारी तरफ से ये क्लियर है कि चौधरी जी को टिकट मिलेगी, और हम मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी के हित में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है मुदित जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी नेता मुदित शेजवार जी जो जुड़े थे हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई मांग नहीं है, और अगर मांग उठ भी रही है तो उन्हें कोई इस बारे में जानकारी नहीं है। पार्टी संगठन जो फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा।